सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका पूरा वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। डेफिनेशन है अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके साथ एग्जाम्पल लिखनी है आपने, वो मैंने आपको लिखवाई थी, जिसने नहीं लिखी वो लिख सकता है। डेफिनेशन के बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं लिखवा रहा हूँ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए मीटर रॉड इज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर रॉड इज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। मीटर रॉड जो होता है वो हम जानते हैं एक मीटर लंबी रॉड है और जिसमें 100 डिवीजन्स होती हैं, वो सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और इनके बिल्कुल दरमियान में जाके 50 सेंटीमीटर का मार्क आता है। वहाँ पे जो है वो मीटर रॉड जो होता है वो बैलेंस भी हो सकता है और उसका वजन भी सारे का सारा वहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, और जो ऊपर हमारे पास पैराग्राफ है ये एक्सप्लेनेशन है, और इसके साथ डायग्राम बनानी है 4.20। रफली कोई ऑब्जेक्ट शो कर देना है और उसके दरमियान में कुछ पॉइंट शो करने हैं, और वो पॉइंट्स के साथ साथ हमने एरोस नीचे की तरफ वर्टिकली शो कर देने हैं, और सेंटर में कहीं पर भी जाके कहीं पर भी एक पॉइंट जाके जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लिख के इंटायर वेट लिख देना है, और उस पॉइंट पे हमने एरो लगा के लिख देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस एक्सप्लेनेशन में हमने बताना है कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, और हर पार्टिकल को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से खींच रही है। कितनी फोर्स से खींच रही है? जितना उन पार्टिकल का वज़न है। और ये सारी की सारी फोर्सेज जो नीचे की तरफ लग रही हैं ये सारी की सारी पैरेलल फोर्सेस हैं और लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हैं और पैरेलल भी हैं। इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी ना किसी पॉइंट पे मौजूद होगा। जिस पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो हमारे पास कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हमने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा था तो हमने कहा था बहुत सी फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं तो एक सिंगल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जिसका वही असर है जो कि उन तमाम फोर्सेस का है, यानी कि उन सब की जगह पे सिर्फ यही एक फोर्स लगा दी जाए इस पॉइंट पे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वही काम करेगा जो उन चारों से या पांचों से फोर्सेस से मिलकर कर रहा है। तो हम इसी रिजल्टेंट फोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ये थी कि हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है, हर पार्टिकल को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उनके वेट के बराबर फोर्स लगा के, और ये सारी की सारी फोर्सेस नीचे की तरफ हैं, पैरेलल हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इन सब का रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और ये डायग्राम ड्रॉ करनी है हमने। उसके बाद येलो टेबल के बिल्कुल नीचे ये सवाल का बाकी हिस्सा है जिसमें हमने लिखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमिना। एक पतली सी शीट जो होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैसे मालूम किया जा सकता है? तो ये हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट लाइन हमने वैसे लिख देनी है जिसमें हमने बताना है ए सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज बाय द यूज ऑफ प्लम लाइन। प्लम लाइन की मदद से जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया जा सकता है। अब प्लम लाइन जो है वो क्या है, एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ए प्लम लाइन? तो यहाँ से हमने प्लम लाइन की हेडिंग डालनी है और फिगर ए तक जो है ये हमारा प्लम लाइन की हेडिंग जाएगी। और नेक्स्ट पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फिगर ए बनी हुई है, ये वाली जो फिगर आपको नज़र आ रही है ये फिगर ए है और ये प्लम लाइन है, लिखा भी हुआ है इसके साथ वर्टिकली। प्लम लाइन क्या है? एक हैवी बॉडी है, नीचे देख सकते हैं, जिसका वॉल्यूम कम है, और एक हैवी बॉडी है हमारे पास जो कि स्ट्रिंग के साथ हमने ज्वाइन कर दी है, और स्ट्रिंग को अगर हम पकड़ के रखें दूसरे एंड से तो वर्टिकली नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसका वेट एड कर रहा होगा, तो ये सिस्टम जो होता है ये प्लम लाइन कहलाता है। तो ये हैवी बॉडी हैविंग स्मॉल वॉल्यूम अटैच विद स्ट्रिंग एंड अदर सपोर्ट इज ज्वाइन टू ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज ज्वाइन टू ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देन इट हंग्स वर्टिकली, दिस वर्टिकल सिस्टम इज सेड टू बी ए प्लम लाइन। तो
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लम लाइन से लेके यहाँ तक, ये हम प्लम लाइन की हेडिंग है और लिखा हुआ है प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉब, मेटल की लेड या ब्रास की बनी हुई एक बॉब होती है, छोटी सी गोली होती है, सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन होती है। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, जब उसको वर्टिकली हंग कर दिया जाता है, इट रेस्ट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, वो वर्टिकली स्ट्रेट रुकेगी ड्यू टू इट्स वेट, अपने वजन की वजह से वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास ए डायग्राम इसके साथ आएगी। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट की एडिंग डालनी है और एक्सपेरिमेंट में हमारे पास टेक से लेके कार्डबोर्ड तक पूरे का पूरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट मौजूद है। एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ जाए तो अपनी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बातें हमने यही बतानी है जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बी डायग्राम जो है ये एक्सपेरिमेंट के साथ आएगी। हम बेसिकली एक इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड है, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड का पीस है और जिसकी इरेगुलर शेप, कोई ख़ास शेप नहीं बनी हुई है, इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले इसके किनारों पर हमने तीन होल्स कर दिए, कार्डबोर्ड के एजिस पे हमने तीन होल्स कर दिए, ए बी सी हमने इनके नाम दे दिए। उसके बाद किसी दीवार में हमने एक नेल लगाया, कील लगाया और इस कार्डबोर्ड को किसी भी एक होल पे सस्पेंड कर दिया, यानी कि जिस वक्त जो है वो ए होल पे सस्पेंड हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस ए होल पे हमने उसको दीवार के साथ लगा दिया। उसके बाद जो नेल था उसके साथ हमने प्लम लाइन ज्वाइन कर दी। जब प्लम लाइन ज्वाइन करेंगे तो प्लम लाइन वर्टिकली स्ट्रेट हंग हो जाएगी, इसके साथ साथ पेंसिल की मदद से डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड एक बना देंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि प्लम लाइन हटा देनी है और उसके बाद दोबारा से इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, बी पॉइंट पे सस्पेंड करना है और फिर दोबारा से प्रोसेस रिपीट करना है, यानी कि कील के साथ प्लम लाइन लगा के दोबारा से पेंसिल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एंड सो ऑन। सिमिलरली थर्ड होल के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो तीनों लाइन्स जो हैं वो एक पॉइंट पे जाके कट होंगी, जिस पॉइंट पे कट होंगी वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये सारी लाइंस मिलेंगी जाके, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, जी पॉइंट जो है वो इस वक्त इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये तरीका है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लम लाइन की मदद से मालूम किया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इक्विलिब्रियम है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको नीचे नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ये दो लाइंस हमने ऐड कर देनी है। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रही हो, नेट फोर्स ना लग रही हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, हालत सुकून में होती है, तो या तो वो रेस्ट में होती है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही हुई होती है। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, हालत स्कूल में बॉडी तब होती है इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई एक्स्ट्रा नेट फोर्स नहीं उसके ऊपर लग रही है, तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है, यानी कि तमाम फोर्सेस अगर लग भी रही हैं उसके ऊपर फोर्सेस, तो वो सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेंस एट रेस्ट, तो इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी या तो रेस्ट में होगी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही होगी। डेफिनेशन करने के बाद हमने थोड़ा सा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है कि एक बॉडी जो होती है वो या तो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। जैसा कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, किताब टेबल पे पड़ी है तो पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उठाएंगे नहीं। इसी तरीके से एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे नहीं। अच्छा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो हमने थोड़े सा एक स्टेटमेंट ही उसकी तकरीबन हमने रिपीट कर देनी है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल्स से एग्जांपल्स हैं। और पहली एग्जांपल जो है हमारे पास वो कहता है बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई हो या पिक्चर हैंग कर रही हो तो ये दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं और नेट फोर्स जीरो के बराबर होती है, इसलिए अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। सेकेंड एग्जाम्पल में वो लॉक की एग्जाम्पल देता है
और ये नीचे एक डायग्राम है 4.26, ये डायग्राम लॉग वाली हमने इसके साथ ड्रॉ करनी है। वो कहता है एक लॉग अगर हम कंसिडर करें जो कि दो रोप्स के साथ वर्टिकली हंग हुआ हुआ है और ऊपर की तरफ जो पुल कर रही हैं फोर्सेस वो टेंशन की हैं, उनको हमने F1 और F2 से रिप्रेजेंट किया है, और नीचे की तरफ उसका वजन ऐड कर रहा है जो कि हमने W से रिप्रेजेंट किया है, और ये लॉग चूंकि रेस्ट में है इसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो के बराबर है और बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो ये बात जो है ये हमने वेट डायग्राम जो है ये हमने एक्सप्लेन करनी है। और तीसरी एग्जांपल जो है वो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए को हमने बता देना है कि वो इक्विलिब्रियम में होगी, जिस तरह एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेवल रोड में मूव कर रही हो, एरोप्लेन हवा में स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एंड सो ऑन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इट इज़ सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो इट इज़ सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर एस लॉन्ग क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि विद एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर कंडीशंस पूछी जाएं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो फिर हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। शुरू में हमने बताना है कि एक बॉडी को मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, उनमें से एक का नाम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और दूसरी का नाम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगर आए एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अगर सेपरेटली आ जाए एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सिर्फ फर्स्ट करनी है, एक्सप्लेन सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सिर्फ सेकेंड करनी है। और ऊपर जो इक्विलिब्रियम का हमने क्वेश्चन किया है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है, डेफिनेशन आती है जिसके साथ आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट में है कि एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करती है जब तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेट टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके लिए मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट से हमारा मैथमेटिकली स्टार्ट होता है जिसमें हमने बताना है कि फर्स्ट किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn बहुत सी फोर्सेस लग रही हैं, अगर इन सब को प्लस किया जाए, नीचे आप देख सकते हैं इनको प्लस किया गया है और बराबर जीरो के आ जाए, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इस सब फोर्सेस को प्लस करने को हम समेशन एफ सिग्मा एफ से भी देख सकते हैं। सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन के साथ आप सिर्फ ये लिख सकते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, ये इसका फार्मूला है। कंटिन्यू है, द सिंबल सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन इक्वेशन 4.9, जिसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 4.9 नहीं लिखना पेपर में, इक्वेशन 1, 2, 3 खुद से नाम देने हैं। तो ये जो रेड लेटर था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये लेटर, ये ग्रीक लेटर है, इसको सिग्मा कहते हैं और समेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेट से लेके इक्विलिब्रियम तक ये हमारे पास था मैथमेटिकली ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने हेडिंग डालनी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की, द फर्स्ट कंडीशन से लेके 4.11 तक ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वो कहता है कि फर्स्ट कंडीशन को जो है वो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट्स को कहते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में कि अगर एफ एक फोर्स हो तो उसका एफ एक्स और एफ वाई जो होते हैं ये दो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास एफ वन फोर्स है तो फिर एफ वन एक्स और एफ वन वाई ये दो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। अगर एफ टू फोर्स है तो एफ टू एक्स और एफ टू वाई ये दो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसी सूरत में अगर एक फोर्स के हमारे पास परपेंडिकुलर बहुत सी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके एक्स एक्सिस वाले सारे कंपोनेंट का सम जीरो होना ज़रूरी है और उसके वाई एक्सिस वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सम होना ज़रूरी है।
इसीलिए लिखा हुआ है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस सो ऑन एफ एन एक्स शुड बी जीरो, और नंबर टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई प्लस सो ऑन एफ एन वाई इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों जो ऊपर इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एंड वाली इक्वेशन और इसके ऊपर वाली, इन दोनों को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, जिसको हमने 4.10 से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, जिसको हमने 4.11 से रिप्रेजेंट किया है। इन इक्वेशंस का नाम हमने नहीं देना है, तो ये इनके नेम्स नहीं देने, और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देनी है, और पहली एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम तक है, कि एक बुक टेबल पे पड़ी हो या पिक्चर हैंग कर रही हो वॉल पे, तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही होती है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस उसके ज़ीरो के बराबर होते हैं। इसी तरह दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन हमने बताया सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी ज़ीरो, तो पहली एग्जांपल हमने बुक की दी और पिक्चर ऑन द वॉल की दी। दूसरी एग्जांपल हमने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जिस तरह पैराट्रूपर जो साइड में डायग्राम बनी हुई है हमने बनानी नहीं है। पैराट्रूपर पैराशूट से नीचे आने वाला जो बंदा है, वो जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा होता है, तो इसका मतलब है इट सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज़ के नाम है, टर्मिनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद है हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले डेफिनेशन है, एक बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करती है जब उस पर तमाम टॉर्क्स जितने भी एक्ट कर रहे हैं उनका सम जीरो के बराबर हो। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स या रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टर्निंग इफेक्ट भी ना उसमें पैदा हो तो वो मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होती है। ये जिस वक्त जो बोल्ड किया हुआ है ये हमारे पास सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट है। उसके बाद मैथमेटिकली है समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो, इसका थोड़ा सा ही है मैथमेटिकली, बस समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि फर्स्ट से लेके नेक्स्ट पेज में अप टू इक्विलिब्रियम तक जो है ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम बनी है 4.30, 4.30 में ए और बी, ये ए डायग्राम और ये बी डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बनानी है, और इन दोनों को ही हमने बेसिकली सेकेंड कंडीशन की एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया है। हमने ये कहना है कि फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसा कि ए डायग्राम है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एफ वन और एफ टू इक्वल एंड ओपोजिट लग रही हैं, बराबर हैं, 10 न्यूटन 10 न्यूटन लग रही हैं और ओपोजिट हैं, तो ये बॉडी जो है ये, और वो देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में लग रही हैं। स्ट्रेट लाइन में अगर लग रही हैं तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, बॉडी ज़रा सी भी नहीं हिलेगी, इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट एंड इट्स सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हम बी डायग्राम की बात करेंगे तो बी डायग्राम में जी बॉडी जो है ए वाले में फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर हम जरा से भी इनकी जगह चेंज करते हैं, एफ वन एफ टू देखें फोर्सेस की जगह चेंज कर दी है जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही थी, या दूसरे लफ्ज़ों में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ऊपर वाली में सेम था ए में, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वन का ऊपर है और एफ टू का नीचे है। अब ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, प्लस 10 और माइनस 10 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल एंड ओपोजिट हैं फोर्सेस, लेकिन ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी रोटेट कर जाती है, इसको खींचेंगे तो ये घूम जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये घूम गई, रेस्ट में नहीं है, रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसलिए वो कहता है कि सेकंड कंडीशन का होना ज़रूरी है, बस आगे नहीं हमने एक्सप्लेन करना, तो हमने सिंपली बस ये बता देना है कि सेकंड डायग्राम में वो रोटेट कर जाएगी, इसलिए सेकंड कंडीशन का होना ज़रूरी है। लास्ट में हमने एग्जांपल देनी है,
और एग्जाम्पल जो मैंने बोल्ड किया है, एग्जाम्पल है जिसमें एक लेडर बनानी है, जो साइड में 4.31 डायग्राम है, इसको सिंपल करके एक लेडर सी आपने ड्रॉ कर देनी है, दो लाइंस लगा के दरमियान में हॉरिजेंटल लाइन लगा दें और लेडर थोड़ी सी स्लांट हो। और हमने कहना है कि लेडर जो है ये दीवार के ऊपर फोर्स लगा रही है, और दीवार पे जब फोर्स लगाती है तो इसका मतलब है उसकी कोशिश है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो वेट की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन दीवार ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, और दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लैडर वहीं की वहीं रहती है, रोटेट नहीं कर पाती है। सिर्फ लास्ट लाइन में डस्ट को छोड़ के, डस्ट को काट देंगे, द लैडर सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो जाता है।